नमस्कार दोस्तों, परमजीत सिंह आप कंटिन्यू करेंगे। परमजीत सिंह कैलिए आप सर्वेदा से आज आपके सामने एक बार फिर। दोस्तों अक्सर जो है हमारे कई किसान फसल रक्षक को जब स्प्रे में यूज़ करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग कुछ गलती कर जाते हैं। हम फसल रक्षक को डायरेक्ट जो है पानी में मिला देते हैं। तो मैं आज आपको ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, स्पेशली इसीलिए शूट कर रहा हूँ कि हमने फसल रक्षक को कभी भी डायरेक्ट पानी में नहीं मिलाना। पहले हमने इसमें क्या किया, एक्टिवेटर हमने डाल दिया। एक्टिवेटर डालने के बाद हमने जो है फसल रक्षक को इसमें डाल दिया, और इसको डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको घोल बनाएंगे अच्छे तरीके से। जब ये इसमें मिक्स हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, तो डाइल्यूट होने के बाद जो है इसमें हम पानी मिलाएंगे, और उसके साथ साथ फसल रक्षक का हम किसी भी फसल पे जब स्प्रे हम अगर हम कर रहे हैं, तो आप इसके साथ कोई भी इंसेक्टिसाइड, कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी फंगिसाइड अगर आप मिलाना चाहें तो आप मिला सकते हैं। उससे जो है हमें कोई समस्या नहीं होगी, उल्टा उसका आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, जब आप अपने पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड के घोल में फसल रक्षक को जब आप मिलाएंगे, तो ये उस घोल को भी जो है, उस घोल को जब हम अपने खेत में डालेंगे, तो वो घोल आपका बेहतर जो है वो काम करेगा, वो आपका वेस्ट होने से बच जाएगा। अब आप देखें, ये जैसे हमने मिक्स किया, ये अब इसमें मिक्स हो गया। अब आप इसमें पानी अगर डालोगे तो आपको कोई भी समस्या जो है इससे ये नहीं आएगी। ये देखिए आपका पूरे का पूरा जो है इस तरह से ये घोल आपका तैयार हो जाएगा। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है, जब भी आपने फसल रक्षक को स्प्रे में यूज़ करना है, तो पानी मिलाने से पहले कोई भी जो है फसल रक्षक के साथ आपने एक्टिवेटर लेना है, कोई भी एक्टिवेटर आप लें, उसके साथ फसल रक्षक को मिलाएं और उसको घोल के उसके बाद उसमें आप पानी डालें, और पानी डालने के बाद इसमें आप कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड आप इसमें मिला सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।